भुवनेश्वर, जिसे मंदिरों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है, आधुनिक ओडिशा प्रांत की राजधानी है। सदियों पुरानी रियासत की राजधानी से लेकर इस युग की राजधानी तक का लंबा सफर तय करते हुए इस शहर ने एक व्यापारिक केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बनाने में सफलता पाई है। प्राचीनता और नवीनता का अद्भुत संगम है यह शहर। कभी इस शहर की शोभा यहां के मंदिर हुआ करते थे, जिनकी संख्या 1,00,000 के करीब थी, जो समय के पहिए के घुमाव के साथ साथ घटकर कुछ 100 तक ही रह गई हैं। कुछ मंदिर के भग्नावशेष देखने को मिलते हैं तो कई अब तक चमत्कारिक रूप से पहले ही जैसी स्थिति में हैं। छठी और 13वीं सदी के दौरान बने यह मंदिर कला और स्थापत्य के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत कर उड़िया कारीगरों के कला नैपुण्य के गीत सुनाते हैं। कला में रुचि और पारखी नजर रखने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटन की दृष्टि से भुवनेश्वर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शहर में आप कहीं भी जाएं, सुंदर वास्तुकला से सज्जित कई मंदिरों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। पत्थरों पर खोदित यहां के कारीगरों की कला कविता से कम मोहक या आकर्षक नहीं है। भुवनेश्वर का पुराणों में एकाम्र क्षेत्र के रूप में वर्णन है। यहां पर पुरातत्व के महत्व के कई ऐसे भग्नावशेष विद्यमान हैं जो भारतीय इतिहास के आदिकाल के समय के कहे जाते हैं। शहर से पूरी जाने वाली सड़क पर 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है धौली। कलिंग और मगध के बीच लड़ी गई ऐतिहासिक कलिंग लड़ाई का धौली ही मुख्य साक्षी है। आधुनिक काल में जापान से पधारे बौद्ध भिक्षुओं ने यहां पर एक शांति स्तूप का निर्माण करवाया है। शहर के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर खंडगिरी उदयगिरी के जुड़वां पहाड़ का ऐतिहासिक महत्व बहुत ही अधिक है। उस जमाने में जब उड़ीसा में जैन धर्म के अनुयायियों का राज था, तब सन्यासियों के चिंतन मनन हेतु राजाओं ने इन पहाड़ियों पर गुफाएं खुदवाई, जो इस समय एक प्रमुख आकर्षण है। इन पहाड़ों के वक्ष पर
उस समय की शिलालिपि भी पर्यटकों के साथ साथ इतिहासकार और शोधकर्ताओं का भी ध्यान खींचती है। इन गुफाओं में से हाथी गुफा, रानी गुफा आदि उस समय के उड़िया शिल्पकारों के अद्भुत कला नैपुण्य का जीता जागता प्रमाण है। खंडगिरी के पहाड़ के शिखर पर एक जैन मंदिर भी है, जहां पर साल भर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। हरियाली से भरपूर इन पहाड़ों पर कूदते फांदते लंगूर पर्यटकों के मनोरंजन का एक साधन है। यह लंगूर पर्यटकों के हाथ से मूंगफली लेकर बड़े चाव से खाते हैं, पर किसी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ओडिशा के स्थापत्य कला से परिपूर्ण कुछ अद्भुत मूर्तियां शहर के बीचों बीच स्थित राज्य संग्रहालय में सुरक्षित हैं। शैलोद्भव वंश के राजत्व काल में बने परशुरामेश्वर मंदिर हालांकि समय की मार से ग्रसित है, पर इसे सुरक्षित रखने का अनूठा प्रयास किया जाता आ रहा है। सातवीं सदी में बना यह छोटा सा मंदिर पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए है, जो आयताकार है तथा इसके ऊपर एक सुंदर छत भी है। सातवीं सदी में बना ब्रह्मेश्वर मंदिर पंचयतन श्रेणी का है, जिसमें मुख्य देवता की मूर्ति के साथ साथ चार और देवताओं की मूर्तियां भी पूजी जाती हैं। इस मंदिर के भवन पर दो चार दीवारियां होने के साथ साथ दक्षिण में एक जलाशय है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार फूल पत्तों की नक्काशी से सजा हुआ है। यह उड़िया स्थापत्य कला का एक अनुपम नमूना है। भुवनेश्वर के अधिष्ठाता देवता श्री महादेव को श्री लिंगराज मंदिर में पूजा जाता है। मंदिर निर्माण शैली तथा स्थापत्य कला के सौंदर्य के लिहाज से इसे अद्वितीय माना जाता है। भव्य नयनाभिराम शिल्पकारी इसे महानता और गौरव प्रदान तो करती ही है, साथ में धार्मिक आस्था और विश्वास का पीठ होने के नाते इसका अलग महत्व है। उड़ीसा के तत्कालीन कारीगर जो अपने हाथों से पत्थरों पर अपनी कला निपुणता की छाप छोड़ने की काबिलियत रखते थे, उनका हुनर यहां अपने चरम उत्कर्ष पर है। कला का एक और बेजोड़ नमूना हमें देखने को मिलता है मुक्तेश्वर मंदिर के रूप में, जो पश्चिम दिशा की ओर मुख किया हुआ है। समय की धारा के साथ साथ उड़िया कारीगरी के क्षेत्र में जो उत्थान आता गया, यह मंदिर उसका सजीव उदाहरण है। जानकारों का कहना है कि उड़ीसा की स्थापत्य कला में यह नगीने जैसा अनमोल है।
इस मंदिर के आगे बना यह द्वार अद्भुत शिल्पकला का एक अनोखा नमूना है, जिसकी आकर्षक कारीगरी की विश्व भर में कोई तुलना नहीं है। राजा रानी मंदिर वैसे तो बेहद आकर्षक है, पर इसके चारों ओर पेड़ पौधों और फूलों की बहार और एक बेहद आकर्षक लॉन पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर खींच लाता है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि इस मंदिर में न तो किसी विग्रह की प्रतिष्ठा की गई है, ना ही यहां आज तक कोई पूजा विधान किया गया है। फिर भी यहां देश तथा विदेश से लाखों पर्यटक हर वर्ष आते रहते हैं। मंदिर के गात्र में खोदी गई नायिकाओं की मनोरम मूर्तियां यहां हर कला प्रेमी के मन को मोह लेती हैं। भुवनेश्वर वैसे तो शैव क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है, पर यहां वैष्णव मतवाद की आस्था का केंद्र अनंत वासुदेव मंदिर के रूप में प्राचीन जलाशय बिंदु सागर के पूर्वी छोर पर क्षेत्र की शोभा बढ़ाता है। इस मंदिर में श्री कृष्ण बलराम और देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। मंदिर के पार्श्व देवता के रूप में श्री विष्णु के 10 अवतारों में से 3 अवतार विराजमान हैं। वेताल मंदिर या स्थानीय भाषा में बैताल देवल भी कला और स्थापत्य के संगम का अद्भुत नमूना है। 11.58 मीटर ऊंचे इस मंदिर की अनोखी छत इसके आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यह एक शक्तिपीठ है। इसके गर्भगृह में अष्टभुजा चामुंडा विराजती हैं, जिन्हें यहाँ की बोली में भक्तगण कपालिनी कहते हैं। चामुंडा के मुख्य विग्रह के चारों ओर और भी विग्रह शोभायमान हैं। इन सब मंदिरों के अतिरिक्त शहर में और भी बहुत सारे मंदिर फैले हुए हैं। यह शहर पुराना और नया दो भागों में बंटा हुआ है। कटक से भुवनेश्वर में जब राज्य की राजधानी स्थानांतरित हुई तो नए भुवनेश्वर ने अपने आकार में विस्तार लाना शुरू किया। नए शहर में विधान सौध, सचिवालय और उत्कल विश्वविद्यालय, वाणी विहार आदि राजधानी की शोभा बढ़ा रहे हैं। चंडीगढ़ की ही तरह व्यवस्थित रूप से बसाए गए भुवनेश्वर ने हाल ही के वर्षों में अपने आकार में काफी बढ़ोतरी कर ली है। अलग अलग पेशों से जुड़े हुए लोगों के आगमन और कार्यस्थल की बढ़ोतरी ने इसे एक कंक्रीट जंगल बना दिया है। इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए शहर की सरहद फैलती जा रही है। कॉरपोरेट जगत के आधार स्तंभ के रूप में हाल ही के दिनों में शहर में फॉर्च्यून टावर और मेट्रो टावर अस्तित्व में आए हैं, जबकि सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय इपिकॉल और इडकॉल भवन में ही पाए जाते हैं। शहर में तेजी से प्रतिष्ठित होते जा रहे अनेकों शिक्षा केंद्रों ने आसपास के राज्यों से काफी संख्या में विद्यार्थियों को इस शहर में आकर्षित किया है।
कुछ नामी शिक्षा केंद्रों में जेवियर्स, आईबैट एवं किट डिम्ड यूनिवर्सिटी प्रमुख हैं। शिक्षा और ज्ञान के अनेकों विद्याओं में शोध कार्य के लिए भी यह एक आदर्श केंद्र है। जनजातीय शोध संस्थान संग्रहालय में जनजातीय रहन सहन, कला व संस्कृति के प्रामाणिक तथ्य की झलक पाई जाती है। पांच सौ एकड़ क्षेत्र में फैले क्षेत्रीय वनस्पति संसाधन केंद्र यानी आरपीआरसी में पौधों के अलावा टिश्यू कल्चर व प्रयोगशाला भी है। आरपीआरसी में 20 एकड़ की भूमि पर सुशोभित गुलाब का सबसे बड़ा उद्यान तथा 550 किस्मों के कैक्टस का एशिया महादेश का सबसे बड़ा संग्रह इसकी विशेषता है। आरपीआरसी के अंदर एक बहुत बड़ा झील भी है जहां सर्दियों में विदेशी पक्षियों का आगमन होता है। शहर के मध्य स्थल में बने श्री राम मंदिर और राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप ही बना इस्कॉन का भव्य मंदिर शहर के दो महत्वपूर्ण स्थल हैं। ऊंचे ऊंचे भवनों की भीड़ में शहर के पुराने बस स्टैंड के पास बना इंदिरा गांधी पार्क प्रकृति प्रेमियों के लिए राहत का एक केंद्र है। कोमल दुब व घास का गलीचा, सुंदर फूल के पौधे और आकर्षक वनस्पतियां यहां आने वाले हर व्यक्ति के दिलो दिमाग को सुकून देता है। यही वह स्थल है जहां पर स्वर्गीय इंदिरा जी ने अपने आखिरी जनसभा को 30 अक्टूबर 1984 के दिन संबोधित किया था। इस दृष्टि से इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यहां पर इंदिरा जी के नाम पर यह आकर्षक पार्क स्थापित करने का सरकार ने निर्णय लिया। यह शहर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सत्यम, विप्रो, इंफोसिस आदि कंपनियों के कार्यालय इस शहर में स्थापित होने के साथ साथ यह शहर सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। यह है मास्टर कैंटीन चौक, जिसे शहर का केंद्र स्थल माना जाता है। इस व्यापारिक केंद्र का नजारा लेते ही शहर की प्रगति का अंदेशा हो जाता है। सामने है जनपथ, जिसकी एक ओर तो रिहायशी इलाका है तो दूसरी ओर तमाम देशी विदेशी कपड़े, जूते, घड़ियां, गहने और न जाने किन किन चीजों की अनगिनत दुकानें हैं। इस प्रांत के कारीगरों के हाथों का कमाल भी यहां की दुकानों में पाई जाती है। हथकरघे के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध इस प्रांत के बुनकरों द्वारा प्रस्तुत सूती व रेशमी साड़ियां और अन्य वस्त्र यहां पर सरकारी और गैर सरकारी दुकानों से खरीदी जा सकती है। बुनकरों की अपनी सहकारी समिति की दुकानों में भी उचित दाम पर अच्छी चीजें उपलब्ध होती हैं। एक शहर जिसका पर्यटन की दृष्टि से इतना महत्व हो, वहां अच्छे स्तरीय होटलों का होना लाजमी है। यहां अलग अलग आय वर्ग के पर्यटकों की सुविधा हेतु अलग अलग होटल हैं। लजीज और चटपटे व्यंजन का मजा लेने के लिए अनगिनत रेस्तरां भी इस शहर में हैं। साथ ही खास उड़िया पकवान परोसकर अतिथियों के दिल जीतने के लिए बने रेस्तरां में गए बगैर यहां का सफर अधूरा ही रहेगा।
इसके अलावा अनंत वासुदेव एवं लिंगराज मंदिर के अन्न भोग का आनंद ही निराला है। सड़क, रेल व हवाई मार्ग से भुवनेश्वर आने की सारी सुविधाएं हैं। भुवनेश्वर राज्य के सारे प्रमुख शहर व पड़ोसी राज्य के शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा है तथा यहां के लिए बसें रोज चलती हैं। दक्षिण भारत जाने वाली सारी रेलगाड़ियां भुवनेश्वर से होकर ही गुजरती हैं। सभी मेट्रो से भुवनेश्वर के लिए नियमित उड़ानें भी हैं। प्राचीनता और नवीनता का अनूठा संगम है भुवनेश्वर, जहां इतिहास के पन्ने भी पलटे जा सकते हैं और तकनीकी विद्याओं का ज्ञान भी लिया जा सकता है। तो आप आ रहे हैं ना भुवनेश्वर? हम आपकी राह में आंखें बिछाए बैठे हैं।